मंगल पाठानंतर मैं सूत्रधार आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करता हूं। आज हम मृच्छकटिक नामक नाटक का अभिनय कर रहे हैं। इस नाटक के रचयिता सुंदर मुख वाले, बलिष्ठ शरीर वाले, महाशक्तिशाली क्षत्रियों में श्रेष्ठ महाकवि शूद्रक है। गर्मी के इन दिनों में प्रचंड सूर्य की किरणों से अत्यंत सूखे कमल के बीज के समान मेरी चंचल पुतली वाली आंखें भूख से विचलित हो रही है। अब मैं अपनी पत्नी को जाकर कहता हूं कि इस भूख की शांति के लिए कोई उपाय है या नहीं। आश्चर्य, यहां तो कुछ अन्य प्रकार का ही प्रयोजन हो रहा है। सारी गली धोए हुए चावल के जल से कीचड़ हो गई। लोहे की कढ़ाई से चित्रित भूमि बिंदी आदि की रचनाओं से ऐसी विभूषित हो रही है। और ये पकवानों की मनोहर सुगंध तो मेरी भूख को और भी बढ़ा रही है। क्या कहीं मेरी पत्नी को पूर्वजों का संचित किया हुआ धन तो नहीं मिल गया, अथवा भूख के कारण मुझे ही सारा संसार पकवानमय लग रहा है। खोजो खोजो अपने परिजनों को खोजो। अरे वसंत सेना, परिभृति का पलवक या संपूर्ण वसंत का ही नाम लेकर तुम क्यों न चिखो? जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं तो फिर ऐसा कौन है जो तुम्हारी रक्षा कर सके? इसीलिए तो हम तुम्हें पकड़ रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे हत्या भी नहीं की गई। नहीं बसंत सेने, ऐसा न कहो। उद्यान लता भी कभी फूलों की इच्छा करती है, हमें तुम्हारे आभूषणों से कोई प्रयोजन नहीं। तो फिर इस समय आपको मुझसे क्या प्रयोजन? अरे मुझ में देव पुरुष मनुष्य वासुदेव की कामना करो। प्रेम का कारण गुण होता है, बलात्कार नहीं। अरे देखिए देखिए पंडित जी, ये जन्म से ये गण का नीच भोग है। एक बार इसने काम देवता वन में क्या देख लिया निर्धन चारुदत्त को कि उससे उस पर अनुरक्त हो गई है, इस कारण मेरी उपेक्षा करती है। इधर भाई और उसका घर है, इसलिए कोई ऐसा काम कीजिए, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे ये गणिका हम लोगों के हाथ से निकल ना जाए। ये मूर्ख तो वही बात करेगा जो इसे नहीं करनी चाहिए। फिर भी क्या वसंत सेना चारुदत्त में अनुरक्त है? ठीक ही तो है, क्यों ना हो। रत्न का संयोग रत्न से ही होता है और योग्य का मेल योग्य के साथ ही होता है। इस मूर्ख से भला किसी को क्या लाभ, जैसा हो रहा है वैसा होने देता हूं। अरे कानली के पुत्र, क्या चारुदत्त का घर बाई ओर ही है? हाँ हाँ, उसका घर इधर बाई ओर को ही है। हाँ, यदि वास्तव में आर्य चारुदत्त का घर बाई ओर को है तो ये बताकर इस उपकारी ने मेरा उपकारी किया है। इससे कम से कम आर्य चारुदत्त का मिलन तो संभव हो गया है। अरे ये क्या, इस घोर अंधकार में पुर के दानों के ढेर में गिरी हुई टिकिया की समान देखते ही ये वसंत सेना तो आंखों से ओझल हो गई है। मेरी आंखें भी देखने में बड़ी तीव्र है, किंतु इस सहसा अंधकार से मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं इस दुष्टा वसंत सेना को खोजता हूँ। कानेली के पुत्र, कोई ऐसा चिन्ह है जिसके सहारे तुम उसे खोजोगे? अरे विद्वान, कैसे भला कैसे। आर्य चारुदत्त तो यहाँ बैठे हैं और साथ में दुष्ट ब्राह्मण भी, किंतु उद्यान के द्वार तो बंद है। मैं उन्हें संकेत देता हूँ। इंद्र, ये मुझे ककड़ी को मार रहा है। कहीं से कबूतरों से गिर गई होगी। अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो?
अरे कुंभिलक, कुंभिलक आओ, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम आर्य। कहो, इस दुर्दिन में किस निमित्त आना हुआ है तुम्हारा? आर्य वसंत सेना आ रही है। वसंत सेना आ रही है? मैं चारुदत्त को बताता हूं। मित्रे, आपके महाजन आए हैं। हमारे कुल में कौन महाजन है मित्र? कुल में महाजन हो ना हो, वहां द्वार पर तो है, वसंत सेना आई है। क्या प्रयास कर रहे हो मित्र? अरे मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो इस कुंभिलक से पूछ लो। क्यों कुंभिलक? आर्य मैत्रे ठीक कह रहे हैं। मैं आर्य वसंत सेना को बताती हूँ। क्या अनुमान लगाते हो? क्यों आ रही होगी? मैं क्या कह सकता हूँ मित्र? मित्र मुझे समझ आ गया है, रत्नावली से असंतुष्ट होकर वो कुछ और आभूषण मांगने आ रही है। मित्र मैं बता रहा हूँ। श्रीमती का कल्याण है। प्रणाम आर्य। हाँ प्रणाम। आपके जीवारे मित्र कहाँ है? शुष उद्यान में बैठे हैं। शुष को उद्यान में? शुष को उद्यान? ये शुष को उद्यान किसे कहते हैं? यहाँ ना खान किया जाता है ना पान किया जाता है। दुष्ट राजा पालक के बंधनों को तोड़कर, कारागार को तोड़कर मैं इधर उधर मारा मारा भटक रहा हूं। आर्य एक राजा होगा। सिद्ध ज्योतिषी के इस वाक्य से डरकर दुष्ट राजा पालक ने मुझे घर से निकालकर ही बंदी बना लिया था। धन्यवाद मित्र शर्विलक का, जिसने मुझे इस बंधन से मुक्त किया। यदि मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं राजा होऊंगा, तो इसमें मेरा क्या अपराध जो मुझे इस प्रकार एक खूंखार हाथी की भांति। मैं राजा का आज्ञा का पालन कर रहा था, तूने मेरे कैद पकड़ के मुझे नीचे खींच दिया, ऊपर से मुझे तू मारा भी। मैं तुमको उसी कल में दिया। न्यायालय में तो क्या, यदि तुम राजा के पास भी चले जाओ तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देख लेना। देख लूंगा। देख लेना। मेघ बरसने वाला हो, सबको आनंद देने वाली हवा बहे, पृथ्वी धान्य से भरपूर हो, सब प्राणी सुखमय जीवन बिताए, ब्राह्मणगण अमिमत अनुष्ठान करने वाले हो और शत्रुओं का नाश कर धर्म प्राण भूपति पृथ्वी की रक्षा करे।